हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियल देसी बॉय। एंड टुडे माय टॉपिक टूरिस्ट एंड टूरिस्ट वीज़ा एंड वर्क वीज़ा, व्हाट इज़ द डिफरेंट। ओके, टुडे आई एम डिस्कस दिस टॉपिक। ओके, तो स्टार्टेड माय वन फ्रेंड आस्क मी व्हाट इज़ द डिफरेंट वर्क वीज़ा एंड विजिट वीज़ा। ओके, आई एम दिस वीडियो आई विल बी ऑल एक्सप्लेन इज़ द मेन डिफरेंट। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं इंग्लिश हो रही है, अंग्रेज बन गया मैं, ठीक है। तो भाई आज का मेरा जो वीडियो है ये रहेगा, अंधेरा आ गया यार इधर, थोड़ा चांदना कम आ गया भाई, चांदना आ गया थोड़ा, ठीक है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूँ। आई एम एवरी वन वीडियो आई एम ऑलरेडी टोल्ड माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड, और यार तो मैं ज़्यादा अंग्रेज बन, ठीक है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है रियली में, और मैंने सोचा चलो आप लोगों के स्टार्टिंग करता हूँ कि भाई कैसा मैं बोल सकता हूँ कैमरे के सामने इंग्लिश। तो वो मैं ट्राई किया, ठीक ठाक बोल लेता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। चलो आते हैं मेन टॉपिक पे कि हम लोगों का क्या क्या सोच रहती है। सबसे पहले एक लड़के में कोई भी सोचता है कि क्या चीज़ है यार। देखो सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, पहले बता देता हूँ, रात के बज गए 11:22, सॉरी मैं खाना खाया दबा के, थोड़ा सोचा घूमने चलूँ क्योंकि जिम कल ओपन है, जिम के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि लड़के सोचते हैं कि क्या है ये विजिट वीज़ा एंड वर्क वीज़ा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, जो वर्क वीज़ा होता है उस पर आप किसी भी कंट्री के अंदर आप काम करने की अथॉरिटी लेते हो उस गवर्नमेंट से, ठीक है। वो आपके पास पेपर होता है, मींस आपके पास अथॉरिटी है काम करने के किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का, जिस कंट्री के, जैसे आपके दुबई का वर्क वीज़ा है तो आप दुबई में वर्क करने की आपके पास परमिशन है, ठीक है। लीगल तरीके से आप दुबई में काम कर सकते हो। अभी आते हैं विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा होता है विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जिसको दो नाम दिए गए, एक विजिट वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा, दोनों का एक ही नाम है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेब हो गया, उसको एप्पल भी बोलते हैं सेब भी बोलते हैं, ठीक है। उसके दो नाम हो गए लेकिन चीज़ वो एक ही है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बड़े कैंट देता हूँ हमेशा, ठीक है। और मेरे जो स्कूल के फ्रेंड है वो देखते हैं मेरा वीडियो, मेरे को बताते हैं कि तू कभी नहीं सुधरेगा भाई। तो भाई मैं अपने ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा अपनी पर्सनल, मैं क्या लाइक करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि दो तीन लड़के मेरे से पूछ रहे हैं। तो आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर यार, मैं थोड़ा सा भटक जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। और आज मूड सभी हैप्पी सा दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है आज, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो गई यार, और क्यों कल ईद है, मेरी छुट्टी भी नहीं है यार, ठीक है। काम थोड़ा है लेकिन काम है। मेरे कहने का मतलब है देखो यार, जो विजिट वीज़ा होता है वो ओनली विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा होता है घूमने के लिए, और जो वर्क वीज़ा होता है वो होता है काम करने के लिए, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा और डिस्कस में बताता हूँ। मेरा रूम एकदम कैंट जगह पे है यार, एकदम मस्त जगह पे, इसलिए मैं थोड़ा किराया थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मेरे को देखो एक इधर से गई और एक इधर से आ रही है, क्या कैंट नज़ारा है यार। यार मैं थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा घूमने के लिए आया, मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। मैं आज दिन से सोचा हुआ था, क्योंकि काफ़ी लड़के सोचते हैं कि भाई जो मेरे जैसे होते हैं बेचारे गांव से होते हैं बंदे, तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है विदेश से रिलेटेड, ठीक है। तो वो लोग बेचारे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या होता है विजिट वीज़ा, क्या होता है वर्क वीज़ा, ठीक है। वैसे तो मोस्टली सभी को पता होता है, लेकिन जो मेरे जैसा बंदा होता है पागल सा, उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात मैं आप लोगों से बता दिया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मैं सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ करता हूँ, और मैं हूँ ही सिंपल यार, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जाके देख सकते हो, और मैं उधर सिंपल ही वीडियो डालता हूँ, सिंपल ही फ़ोटो डालता हूँ अपने पुराने वाले सेम ऐसे ही। और मैं कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे कोई अलग से वो करता हूँ, भाई आप लोगों ने फॉलो करना है फॉलो कर लो, नहीं करना है तो ना करो यार, कोई मतलब नहीं। यूट्यूब पर हैं आप ऐसी, भाई हम लोग यूट्यूब पर, भाई यूट्यूब पर जुड़े रहो, बाकी टेंशन नहीं है, इसलिए मैं लिंक भी नहीं डालता हूँ ना फेसबुक का ना इंस्टाग्राम का। तो भाई सिंपल सी बात है यार, देखो अगर जो आप लोग किसी भी कंट्री में घूमने के लिए आ रहे हो एज द टूरिस्ट, ठीक है, तो आपको विजिट वीज़ा लेना है, ठीक है।
अगर जो आपको किसी कंट्री में, किसी देश में काम करने के लिए आना है, जॉब करने के लिए आना है, तो आपने लेना है वर्क वीज़ा, ठीक है। और बिजनेस वीज़ा तो चलो वो तो हाई लेवल हो गया, वो अलग हो गया, उसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, दुकान कैसे खोल सकते हैं दुबई में, छोटा मोटा बिजनेस कैसे खोल सकते हैं, सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और दुबई की टैक्सी दिखा देता हूँ यार, दुबई की टैक्सी कैसी होती है। दुबई की टैक्सी होती है भाई, ठीक है, ये दुबई टैक्सी है और ये बड़ी ज़बरदस्त है यार, मीन्स अभी न्यू गाड़ियाँ आई हुई हैं इसकी, बड़ी ज़बरदस्त आती है। मैं लाइसेंस बनवाया तो मैंने सोचा अगर जो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी मैं टैक्सी चला लूँगा भाई रैली में, ठीक है, और अगर जो मेरे को जॉब ना मिलती मैं सच में टैक्सी चलाता भाई, ठीक है। तो छोटा काम कुछ भी नहीं होता है भाई, दुबई की जॉब की सॉरी दुबई में टैक्सी चलाने के लिए भी 5 से 6 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं पहले भाई, तो इसको भी छोटा नहीं समझो भाई, ठीक है। जो लोग समझते हैं कि भाई दुबई में या टैक्सी चलाना कोई छोटी बात है, भाई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। आदमी को एक एक साल लग जाता है, पहले टैक्सी का पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, फिर टैक्सी वालों की क्लासें लेना पड़ता है आप लोगों से, इनके रूल सीखने पड़ते हैं, उसमें कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। उन लोगों फिर उसके लिए कंपनी को इधर पैसा देना पड़ता है टैक्सी वालों को, कम से कम 6 से 7 हज़ार दरहम, ठीक है। फ्री वीज़ा नहीं देते हैं वो लोग भी, मतलब उनका कुछ चार्जेस है, कुछ भी है उनका सिस्टम, वो उनको भी देना पड़ता है, तो मतलब टोटली 5 से 6 लाख रुपये लग जाता है भाई टैक्सी के लिए भी। तो मैंने जब लाइसेंस बनाया मैंने सोचा कहीं काम नहीं मिलेगा तो कोई नहीं टैक्सी चलाएंगे भाई, ठीक है। तो फिर जॉब मिल गई तो मैं सोचा ऐसी बात नहीं है भाई, टैक्सी चलाने टैक्सी की जॉब बहुत अच्छी जॉब है इधर दुबई में, मेहनत की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, एकदम VIP जॉब है। तो सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ छोटी छोटी, और अगर जो इससे रिलेटेड अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, रिप्लाई तो मैं देता ही हूँ आप लोगों को पता है, और बस जुड़े रहो यार, भाई को प्यार ऐसे ही देते रहो इस देसी भाई को, ठीक है, ऐसे ही प्यार देते रहो, आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है यार भाई को, और चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो करवा दो बस जल्दी जल्दी। 3000 रुपये में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में काफ़ी सारे पूछ रहे हैं, ठीक है, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं, क्योंकि जो मैं वादे करता हूँ वो पूरे हो या ना हो, मैं ये नहीं कहता मैं पूरे करता हूँ, क्योंकि हर बंदा झूठ बोलता है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं पूरे करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनको कि मैं पूरे करूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मेरे जितनी जल्दी, क्या यार मेट्रो क्या कैट व्यू आ रहा है यार, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है जितनी जल्दी आप मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाओगे इतना आप मेरा वो टॉपिक में वीडियो मिलोगे देख लोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो 2800 करीबन होने जा रहे हैं 2800 के, तो आप लोगों का प्यार मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और बस यही प्यार मेरे को चाहिए आप लोगों से, बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी तो मैं आप लोगों के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक नॉलेज, हर एक मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। तो ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। अगर वीडियो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ना यार आप लोगों ने, और उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती तो वीडियो को फिर शेयर कर देना। शेयर करने से क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर जिधर भी आप लोग कर सकते हैं, जिस बंदे को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है, वो उसको देख लेगा और इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सच में मिलती है। सॉरी इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ जो गांव से, क्योंकि आजकल विदेश आने का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बंदे आजकल ये सोचने लगे कि भाई हर जो मतलब एक मिडिल क्लास मेरे जैसा बंदा है वो भी आता है, जो हाई लेवल का जिसको ज़रूरत भी नहीं वो भी आते हैं यार, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई बुरा भाई, मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये हर बंदे तक मेरी वीडियो पहुंचा जिसको ज़रूरत है, उसका पैसा वेस्ट ना हो एक दरम भी, एक रुपया भी, एक दरम तो 20 रुपये होता है, एक रुपया भी वेस्ट ना हो, तो बस यही था, ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बातें बहुत ज़्यादा करेंगे अगली वीडियो में भी ऐसे ही, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय।